फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत। मेरे पहले सभी वीडियो को आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला, इसके बाद मैं ये एक और वीडियो आपके लिए डालने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो ये वीडियो आज जो मैं डालने जा रहा हूँ वो है साइड कटिंग के बारे में, यानी कि जो घर में फ्लोर लगने के बाद उस पर जो साइड के साथ जो 3 इंच का पट्टा लगाते हैं उसके बारे में। उसमें क्या होता है कि हर बार अगर हम 3 इंच का पट्टा या जो 3.5 इंच का पट्टा यू टेप से माप के अगर करेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा वक्त लगेगा, और उस माप में हर वक्त माप के काटने की वजह से उसमें थोड़ा फर्क भी आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या एक और देसी जुगाड़ किया है। उसमें क्या है कि ये जो मशीन का बेस पटला आता है उसके अंदर ही हमने यू एक ऐसी पट्टी लगा देनी है जो हम हर मकान के अंदर 3.25 इंच का पट्टा लगाते हैं। तो मैंने ये पट्टी 3.25 इंच पर लगे ऐसे इसमें दो होल कर दिए हैं, देखो, और उसमें भी ये होल करवा दिए है, और इसको 3.25 इंच की दूरी पर हम होल करके यू लगा देंगे। तो ऐसे हम ये पट्टी लगा के टाइट कर देंगे। देखो, अब ये पट्टी जो है हम 3.25 इंच रनिंग हर मकान में लगाते हैं पट्टे, तो ऐसे 3.25 इंच 8 सेंटी की ये माप से पट्टी बंधा दी है। अब क्या होगा, अब इसको हम करके देखते हैं इसका, देखो अब रिजल्ट कैसा आता है। इस पट्टे काटने से पहले ये देखना जरूरी है कि इसका जो बेस पे जो वो आप अच्छी तरह सेट कर ले, जिससे आपके पट्टे टूटने का चांस कम हो जाए। देख, देखो ये पट्टा एक तैयार हो गया जो परफेक्ट एक ही माप का निकला है 8 सेंटीमीटर का। तो ऐसे ही हम हर बार मापने की जरूरत नहीं रहती, और एक ही साइज के जितने भी मकान में पट्टे चाहिए वो कम वक्त में आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर और इसके लिए आप इससे भी अच्छा अगर आपके लिए तरीका है तो मुझको सजेस्ट करें और इसके लिए कमेंट जरूर करें, और मेरा वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।